दोस्तों स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे अपडेट में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक अनदर जॉब अपडेट के बारे में, जो कि हम बताएंगे कि झारखंड में पुलिस में दरोगा की भर्ती के बारे में क्या कुछ यहां पे अपडेट निकल के आई है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक एक करके देंगे, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बता दें कि पहला यहाँ पर क्या कुछ अपडेट दिया गया है। पुलिस मुख्यालय के प्रस्ताव पर गृह विभाग ने JSSC को भेजा अधियाचना। ठीक है, बता दें कि झारखंड पुलिस में दरोगा सर्जेंट मैनेजर और समकक्ष में देख पा रहे हैं कि 946 पोस्ट जो है यहां पे होगी बहाली। ठीक है, कब तक होगी, क्या अपडेट है और अब तक कितनी यहां पे बहाली हुई है, सारी आंकड़ाएं हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके यहाँ पर आपको अपडेट देते हैं क्या कुछ यहाँ पर निकल करके अभी आई है। बता दें कि झारखंड में दरोगा सर्जेंट मैनेजर और समकक्ष कंपनी यहां पे देख सकते हैं कमांडेंट में 946 पदों का नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। पुलिस मुख्यालय में प्रस्ताव को गृह विभाग ने JSSC झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को भेज दिया है। अब JSSC के माध्यम से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के लिए विज्ञापन प्रकाशित कर अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है आपको JSSC द्वारा बहुत जल्द जो है आपको आवेदन जो है देखने को मिलेगा। चलिए आगे का क्या कुछ अपडेट दिए गए हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक एक करके देते हैं। पूर्व DGP नीरज सिंह ने समय यह प्रस्ताव जो है मुख्य देख पा रहे हैं पुलिस मुख्यालय ने गृह विभाग को भेजा था, फिर गृह विभाग ने इस प्रस्ताव को JSSC को भेज दिया था, लेकिन नियोजन नीति के बदलाव होने के कारण JSSC ने पुलिस मुख्यालय से नए नियम के तहत जो संशोधन प्रकाशित भेजने को कहा था। इसके बाद पुलिस मुख्यालय ने नई नियोजन नीति के तहत जो है संशोधन प्रस्ताव तैयार कर गृह विभाग को भेजा था, जिसे गृह विभाग ने JSSC को भेज दिया था। तो इस प्रकार से यहाँ पे नियोजन नीति को लेकर के जो है यहाँ पे ये भी एक बहुत बड़ा मामला अटक गई। अब JSSC द्वारा विज्ञापन प्रकाशित किए जाने का पूर्व की सारी प्रक्रिया जो है पूरी कर ली गई है। इसके अलावा जो है पुलिस मुख्यालय ने कांस्टेबल के पद की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव तैयार करने का कवायद शुरू कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जो है बहुत जल्द जो है यहाँ पे आपको पुलिस की भर्ती आपको यहाँ पे नज़र आएगी और बहुत ही जल्दी ये दरोगा की भर्ती जो है आपको देखने को मिलेगी। तो नेक्स्ट यहाँ पे बात करें और क्या कुछ दिए गए हैं, जैसे कि 2012 में लगभग देख पा रहे हैं कि 380, 2018 में 2580 पदों पर हुई थी सीधी नियुक्ति। ठीक है, झारखंड अलग राज्य बनने के बाद जो है यह जो दरोगा का समकक्ष पदों पर बहाली 2012 में 380 और 2018 में 2080 पदों का यहां पे डायरेक्ट बहाली हुई थी। इसके अलावा जो है विभागीय समिति परीक्षा जरिए जो है आरक्षित के दरोगा में प्रोन्नत के लिए देख पा रहे हैं कि 1544 पद का बहाली निकाली गई थी, लेकिन इसमें 396 पदों पर ही आरक्षियों का चयन हो सका। कैबिनेट के विभागीय समिति कम से कम दो बार आयोजित करने की मंजूरी दी थी, लेकिन जो है यहाँ पे दरोगा परीक्षा यहाँ पे दोबारा जो है यह परीक्षा नहीं हुई। 2012 में हुई दरोगा बहाली की प्रक्रिया में गड़बड़ी की बात सामने आई थी, मामला कोर्ट में गया, कोर्ट के आदेश पर जो है घोषित परिणाम के बदलाव का बहाली प्रक्रिया पूरी की गई। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे आप देखें कि 2012 में 380 और 2018 में 2580 पद जो है मात्र निकाला गया था और अभी तक जो है कोई पद देखने को नहीं मिला है। तो बहुत जल्द जो है बड़ी पैमाने में जो है ये आपका पद जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे झारखंड में जल्द ही बड़े पैमाने में सिपाहियों की जो है यह आपका भर्ती जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से बड़ी छोटी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जॉब से रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन आती है इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको पहुँचाया जाता है। आज के लिए इन्फॉर्मेशन इतना ही था, अंत तक देखने के लिए वीडियो को धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।